हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या। आज मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू, जिसकी पैकेजिंग एंड जिसकी इम्प्लीमेंटेशन लिटरली काफ़ी ज़्यादा ऑसम है, काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। तो सब कुछ हम इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में देखेंगे, क्या इसकी प्राइसिंग वगैरह सब कुछ देखेंगे। एंड अगर आपको परचेज करना है तो मैं उसका भी लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना भी मत भूलिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो मेरा प्रोडक्ट है वो है ये मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश पैलेट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल आपको 8 शेड मिल जाते हैं, एंड जो मेरा शेड है वो है शुगर एंड स्पाइस का। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी पैकेजिंग की, तो आप देख रहे हैं आपको कुछ इस तरह के बॉक्स में आपको मिल जाता है। एंड जब आप इसको ऑनलाइन परचेज करेंगे तो मुझे ये बस एक बबल रैप पैकेजिंग में आया था, एंड जस्ट ये एज इट इज़ ही मुझे रिसीव हुआ था। तो टोटल आपको यहाँ पर 8 शेड मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम है, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। जब आप इसको खोल कर देखेंगे तो आपको कुछ ये इस तरह से दिख जाते हैं, एंड जो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट शेड है, एंड आप इनको यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्किन टोन पर, डिफरेंट डिफरेंट मेकअप लुक में। आप इसको हर तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पर 2 शिमर शेड मिल जाते हैं, जो कि आप इन्हें एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जो आपकी ये 6 शेड हैं, ये आपको टोटल मैट मिलते हैं, इनमें थोड़े से भी शिमर पार्टिकल्स नहीं हैं, जरा से भी नहीं हैं, ये आपको टोटली मैट है। एंड ये जो 2 शेड हैं, ये आपको 2 शिमर मिल जाते हैं, तो जो कि आप ये थोड़ा सिल्वर है, थोड़ा नहीं इनफैक्ट ये पूरा ही सिल्वर है। एंड ये पिंकिश में है, ये आपको पिंक मिल जाता है। तो आप इसे एज अ हाईलाइटर या एज अ आई शेडो, शिमर आई शेडो, जैसा भी आप यूज़ करना चाहें आप इन्हें डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको एक पैलेट में आपको इतने सारे शेड मिल जाते हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्किन टोन पे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप डिफरेंट मेकअप लुक चाहते हैं। एंड अगर आपके घर में और भी लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, एंड वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी सारे प्यारे प्यारे आपको शेड मिल जाते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ इनकी पिगमेंटेशन की, तो पिगमेंटेशन लिटरली बहुत ही कमाल की है। जस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। जस्ट 1 स्वाइप में आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, एंड ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। एंड बहुत ज़्यादा आपको इस पर वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाते हैं। जब आप इसे ब्लेंड करेंगे, देखिए जस्ट आपको ब्लेंड करना है हल्का सा, एंड ये एकदम से नेचुरल लगते हैं। एंड थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ उसके फॉर्म की, तो थोड़ा सा आपको पाउडरी फॉर्म मिल जाते हैं, ये एकदम से क्रीमी फॉर्म में नहीं है। जो आप इन्हें टच करेंगे तो ऐसा लगेगा आपको ये क्रीमी फॉर्म में, जस्ट आपने रिमूव किया देन आपको लगेगा ये पाउडरी फॉर्म में है। तो ऐसा बहुत सारे चौकी फॉर्म में नहीं है, जस्ट हल्का सा पाउडरी है, मतलब कि ये क्रीमी नहीं है, मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रही हूँ। तो एंड ये काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाते हैं। एंड ये जो दो शेड हैं, ये भी लिटरली बहुत ही प्यारे हैं। जस्ट 1 सेकेंड, इनकी जो पिगमेंटेशन लिटरली वो भी बहुत ही कमाल की है। ये आपको टोटल वाइट शिमर मिल जाता है, जस्ट मेरी उंगली में ये भी कलर था, एंड आप देख सकते हैं इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही कमाल की, जो मुझे बहुत प्यारी लगती है। एंड आपकी ये ब्लेंड करने में, ये जो आपको शिमर पार्टिकल्स इसमें दिखेंगे, जो आपको शिमर शेड मिलेगा, ये भी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे चमकने वाला चौकी था वो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही लिटिल बिट, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं, जो कि आपकी स्किन में काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। एंड आप इसे एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, अपने आईलिड पे से शिमर फॉर्म में से प्लेस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी क्यूट लगता है, बहुत ही प्रिटी लगता है। एंड ये भी आप इसे एज अ आई शेडो, बहुत ही डिफरेंट वे में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट शेड मिल जाते हैं। एंड ये आपको थोड़ा सा अगर आप चाहें तो एक अपना ट्रांजिशन शेड बनाने के लिए, इसे लाइट शेड तैयार करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको टोटल 8 शेड मिल जाते हैं। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, तो ये मुझे समथिंग पड़ा था 675 या 6, मैं आपको जो भी एग्जैक्ट प्राइस होगा मैं आपको स्क्रीन पे इधर उधर या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे डिटेल्स आपको दे दूँगी। एंड थोड़ा सा मुझे एक इसका डिसएडवांटेज ये लगता है कि जैसे आपको यहाँ पे अगर इन्होंने मिरर दिया होता तो ज़्यादा बेटर लगता, बट यहाँ पे इन्होंने कोई मिरर नहीं दिया हुआ है, जस्ट आपको ये एक ग्लास सा मिल जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट है, एंड आप इसमें मेरी रिंग लाइट देख सकते हैं। सो जस्ट आपको ये ऐसा मिल जाता है, एंड ये भी पूरा ग्लास का नहीं है, जस्ट ये थोड़ा सा फाइबर मिक्स है, तो ये अगर गिरा तो टूट सकता है। तो कुछ इस तरह का आपको इसकी पैकेजिंग मिल जाती है, एंड जस्ट ये इस तरह से फ्लिप होके बंद हो जाता है। एंड थोड़ा सा ये
और भी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपको एक मतलब एक बॉक्स में एक पैलेट में आपको 8 शेड मिल जाते हैं एंड आपको कैरी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाता है, ट्रैवल फ्रेंडली हो जाता है। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपने जस्ट एक बॉक्स डाला, एक पैलेट अपना डाला एंड आपका काम हो गया एंड आप डिफरेंट डिफरेंट मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं एक ही पैलेट से। आपको बहुत सारे मतलब सामान इकट्ठा करने की, बहुत सारे सामान ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट आपका एक पैलेट में काम हो सकता है। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इसे, तो मैंने इसे amazon.com से परचेज़ किया था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी तो सेल चल रही है तो आप अमेजन पे, पर्पल पे एंड फ्लिपकार्ट जहाँ पर भी आप आपको देखेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। नायका पे भी डिस्काउंट चलता रहता है, बट मुझे लगता है कि अगर आप अमेजन से परचेज़ करेंगे तो आपको हाईली थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है, बिकॉज नायका पे उतना डिस्काउंट नहीं रहता है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जस्ट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। सो एंड आपको जहाँ से भी परचेज़ करना है, क्योंकि ये एक मेकअप रेवोल्यूशन ब्रांड है तो आप सब लोगों को पता होगा ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है, जाना माना ब्रांड है एंड मोस्टली ऐप्स पे, मोस्टली साइट पे आप जहाँ भी देखेंगे आपको ये अवेलेबल हो जाता है एंड आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो आई थिंक मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में सब कुछ बता दिया है एंड फिर भी अगर कुछ रह जाता है एंड आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड मुझे इसके बारे में अगर आप कुछ और भी देखना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं, आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को यार लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक रेड कलर का बटन होगा उसको हिट कर लेना एंड उसके बगल में एक बेल आइकन का बटन होगा उसे भी हिट करना मत भूलना। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।